हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे सामने आप ये प्लांट देख रहे हैं, कलांचू। कलांचू सर्दियों में फूल देने वाला एक बहुत ही सुंदर प्लांट है। इस प्लांट के देखिए, फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर प्लांट होता है ये। इसके आपको कलर भी बहुत सारे नर्सरी में मिल जाते हैं। हाइब्रिड कलांचू भी होते हैं, जो कि थोड़े महंगे हमें करके मिलते हैं। 150 या 200 के आसपास कलांचू आपको मिलते हैं अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि ये प्लांट देखिए सर्दियों में ही फूल देता है। ऐसे तो ये प्लांट जो है परमानेंट प्लांट है, जो कि पूरा साल हमारे पास रहता है, ख़राब होने वाला नहीं है जल्दी से। अगर आपका ये प्लांट ख़राब होगा तो पानी की वजह से ख़राब होगा, अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डाल दोगे तो, क्योंकि ये प्लांट जो है सर्कुलेंट फैमिली से बिलोंग करने वाला प्लांट है, जिसमें पानी की मात्रा कम चाहिए होती है। तो इसमें आपको पानी तभी डालना होता है तब आपको लगे कि इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा से ड्राई हो चुकी है, तभी आपको इसमें पानी डालना है। इसकी पत्तियों में, इसके स्टेम में पानी पहले से स्टोर करके रहता है, इस वजह से इनमें हम पानी कम डालते हैं प्लांट में। इसकी आपको मिट्टी, फर्टिलाइज़र कौन सा इसमें डालना है बताऊंगी वीडियो में। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखा करें बिना स्किप किए हुए, तभी समझ आता है कि क्या वीडियो में बताया गया है। सो फ्रेंड्स, कलांचू जो प्लांट है, इसमें देखिए आपको, जैसे ही हम इस प्लांट को लेकर आते हैं तो ये एक छोटा प्लांट होता है, तो हमें इसमें लगाने के लिए हमें पॉट चाहिए होगा। तो पॉट आपको किसी भी साइज़ का आप ले सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े साइज़ का पॉट लेना है, ये छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। आप इसके लिए 6 इंच का, 8 इंच का पॉट बहुत आसानी से ले सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको मिट्टी कैसे तैयार करनी है, तो इसकी जड़ों में अगर पानी रुकता है तो जड़ें इसकी ख़राब होने लग जाती हैं, फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपको इसमें ऐसी मिट्टी तैयार करनी है जिसमें पानी ना रुके। इसमें आपको 1 पार्ट रेत लेनी है, 1 पार्ट आपको मिट्टी लेनी है, एंड इसमें 1 पार्ट आपको नीम खली लेनी है। तो नीम खली से क्या होगा, हमारे प्लांट को खाद की भी मात्रा मिलेगी और नीम खली से प्लांट में फंगस भी नहीं लगती है। इसलिए आपको इसमें नीम खली बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऐड करनी होती है। इसके अलावा जो ये देसी प्लांट होता है, इसमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इनके जो हाइब्रिड वाले प्लांट होते हैं उनमें थोड़ा हमें एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है। तो ये वाला जो देसी प्लांट है, इसमें अगर हम नीम खली की बजाय थोड़ा फंजीसाइड पाउडर भी डाल देते हैं तो उससे भी फंगस नहीं लगती है। इसके अलावा आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट भी लेना होगा थोड़ा, उससे क्या होगा कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी हमारे प्लांट को मिलेगी। इसके बाद एक बार मिट्टी तो हमने अच्छी तैयार करके प्लांट को लगा दिया है, उसके बाद हमारे प्लांट को चाहिएगी फास्फोरस, क्योंकि इसमें देखिए फूलों का, इस टाइम पर फूलों का सीजन होता है और जिस टाइम पर हमारे प्लांट फूल देते हैं उस टाइम पर उन्हें फूड ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी लगाते हैं बहुत ज़्यादा फूल देने में। जैसे छोटे बच्चे को बढ़ाने के लिए हम फूड देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसी तरह हमारे प्लांट भी होते हैं कि जिस टाइम पर इन्हें फूल देने होते हैं उस टाइम पर ही हमें इन्हें ज़्यादा फूड देना होता है। सो फ्रेंड्स, आपको इसमें हर 15 दिन में, 10 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालना ही डालना होता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देखिए, DAP के कुछ दाने लेकर या फिर NPK के कुछ दाने लेकर इन्हें पानी में घोलकर, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सरसों खल होती है उसे भी पानी में घोलकर अपने प्लांट में अगर आप 10 दिन में 15 दिन में डालते रहोगे तो उससे भी आपके प्लांट को बहुत अच्छा सा पोषण मिलेगा और आपके प्लांट पर बहुत ज़्यादा ढेरों फूल आएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं इनको आपको रखना किस जगह पर है। तो इस प्लांट को आप पूरा दिन की धूप में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे ही अभी देखिए गर्मियां बहुत आना स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट मंथ में, तो उस टाइम पर हमें इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां पर इसे सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप मिले, उससे ज़्यादा धूप ना मिले। अगर उससे ज़्यादा धूप में हम इसे रखेंगे तो इसकी पत्तियों के टिप्स जो होते हैं वो ब्राउन होने स्टार्ट हो जाते हैं और इसकी पत्तियाँ जलना स्टार्ट हो जाती हैं। सो सर्दियों में आप इसे पूरा दिन की धूप में रख सकते हो, लेकिन गर्मियों में हमें इसे थोड़ा बचा के रखना होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इसे आपको प्रोपगेशन कैसे करना है, एक प्लांट से आप इसके बहुत सारे प्लांट कैसे डिवाइड कर सकते हो, तो ये प्लांट ऐसा है कि अगर आप इसकी एक पत्ती को लेकर भी मिट्टी में लगा दोगे तो इसकी पत्ती के पास से भी रूट्स निकलना
इसकी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये प्लांट बहुत हार्डी सा भी प्लांट माना गया है, जो कि कटिंग से बहुत ईजी तैयार होता है। तो इस प्लांट को आप कटिंग से, इसकी पत्ती से, इसके एक स्टेम से भी आप ग्रो कर सकते हो जितना मर्जी चाहो। तो हमारे पास देखिए, हम सिर्फ एक प्लांट लेकर आए थे, बाकी के हमने इसके ये कटिंग से ही प्लांट सभी तैयार कर लिए हैं। तो आपको सिर्फ एक कटिंग ले लेनी है अच्छी सी देख के, और उसको मिट्टी में लगा देना है। मिट्टी में आप सिर्फ मिट्टी ले सकते हैं, रेत ले सकते हैं और गोबर की खाद। सिर्फ इन तीन चीज़ों में ही आपको कटिंग लगानी होगी। और कटिंग आप जब भी लगाएं, ध्यान रखिए उसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना डालें और बिल्कुल सूखने भी ना दें। ज़्यादा पानी से कटिंग आपकी गल जाएगी और बिल्कुल सूख जाएगी तो वो मर जाएगी। तो आप ध्यान रखिए कि हल्की नमी नमी बनी रहे और ज़्यादा पानी ना उसमें जाए। सो अगर आप इस प्लांट की बात करें तो जैसे अभी देखिए ये फूल दे रहा है हमारा प्लांट। अभी एक बार इसके फूल खिल जाते हैं, गुच्छों में खिलते हैं, देखिए किस तरीके से गुच्छों में खिले हुए हैं। तो गुच्छों में इसके फ्लावर निकलते हैं, और एक बार फूल खिलने के बाद कम से कम 15 से 20 दिन तक ऐसे के ऐसे ही इसके फूल खिले रहेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा, फूल जब हमें लगेगा कि पुराने हो चुके हैं, तो इन सभी फूलों को हमें कट करके अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डाल के छाया वाली जगह पर हमें रख देना है। इससे क्या होगा कि जैसे इसका नेक्स्ट सीज़न आएगा तो उस टाइम पर ये बहुत अच्छी एनर्जी अपनी फिर से लगाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फूल देने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से हमारा प्लांट घना भी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप इस प्लांट को देखिए, इसके बीजों से भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो और इसको कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको पानी का ध्यान रखना है, पानी इसमें बहुत ज़्यादा डालना नहीं होता है बिल्कुल भी। अगर इसमें पानी ज़्यादा डल जाता है तो इसमें फंगस भी लग जाती है और इसके स्टेम गलना भी स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इस प्लांट में देखिए ब्लैक कलर के कीड़े लगते हैं, उस कीड़े से आपको बचाने के लिए 15 दिन में 20 दिन में नीम ऑयल लेना है आपको। गुनगुने पानी में नीम ऑयल तैयार करना होता है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल ले लीजिए आप, और उसमें 1/2 चम्मच हैंड वॉश या फिर कोई भी शैम्पू मिलाकर बहुत अच्छे से एक आप मतलब लिक्विड सा स्प्रे बोतल में डालकर तैयार कर सकते हो। उसमें अगर आप इसे 15 दिन में स्प्रे करते रहोगे नीम ऑयल को, तो आपके प्लांट को कोई फंगस भी नहीं लगेगी, कीड़ा भी नहीं लगेगा और बिल्कुल आपका प्लांट ऐसे के ऐसा ही रहेगा हरा भरा। इसके जो हाइब्रिड वाले प्लांट आते हैं, जब हम उन्हें नर्सरी से लेकर आते हैं तो वो कोकोपीट में हमें मिलते हैं, इसलिए उन्हें घर पर लाकर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना होता है। आपको अपने उस प्लांट को कोकोपीट में से निकालकर मिट्टी में जब लगाना होगा तो ध्यान रखिए उसे 2 से 3 दिन तक आप छाया में रखिए, उसके बाद उसे धूप में आप शिफ्ट करिए। डायरेक्ट अगर कोकोपीट में से मिट्टी में प्लांट को लगाकर आप धूप में रख दोगे तो आपका प्लांट बहुत जल्दी से ख़राब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो थैंक यू सो मच।